अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि दराज पे बिज़नेस करने के लिए आप अपने लिए प्रोडक्ट किस तरह हंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये दराज पे चलेगी, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ज़्यादा इसकी सेल्स होंगी। इसके लिए लोग काफ़ी सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें ज़िनॉन हंट है, दराज टूल किट है, जारविस वगैरह है। इन टूल्स की अलहदा अलहदा से मैं आपको खासियत पहले बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर ज़िनॉन हंट आता है। ये एक बहुत ही अच्छा और यूज़र फ्रेंडली कीवर्ड एक्सपेंडर है, यानी कि इसको आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको SEO के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली है, अब आप उसकी SEO करना चाहते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप उसकी विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये दराज के ऊपर वाले पेजों में आए, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। असल में होता कुछ यूँ है कि ये जितने भी टूल्स हैं लोग इनको गलत फहमी में प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इनका प्रोडक्ट हंटिंग में कोई अमल दखल नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि किस तरह असल तरीके से किस तरह से होती है। आप इन सब टूल्स को प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी SEO या सेल्स वगैरह बढ़ाने के लिए आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप इनको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पे आता है जी दराज टूल किट। दराज टूल किट जो है वो प्रोडक्ट का कंप्रिहेंसिव एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसकी क्रोम एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। जो एक ख़ास बात इसमें मुझे नज़र आई है वो है इसका जोकर रैंक AI सिस्टम। जोकर रैंक AI सिस्टम जो है वो लर्न करता है ऑडियंस से कि आपकी जो ऑडियंस है या इस प्रोडक्ट पे जो ऑडियंस आ रही है वो और कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर जा रही है, या उनकी इंटरेस्ट जो है वो किस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर है। तो ये सारी डिटेल जो है, ये सारा डेटा जो है वो उसको एनालाइज करता है और आपको ये सारी डिटेल प्रोवाइड करता है। तो इस सिस्टम से आप बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके रिलेटेड मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर दराज पर लगाऊँ तो मेरी वो सेल्स जो हैं वो हो सकती हैं, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तीसरे नंबर पर जो हमारा टूल है वो है जारविस। जारविस जो है वो बहुत कॉमन और आसान टूल है। ये जो है ये आपको प्रोडक्ट की जो डेली सेल्स है उनका आपको डेटा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रोडक्ट के ऊपर रेवेन्यू कितना आया है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, और इसके अलावा ये आपको उसकी रैंकिंग का बताता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी रैंकिंग है, लोगों ने इसको कितना पसंद किया है, ये सब कुछ आपको डेली बेसिस पर बताता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जितने भी टूल्स हैं इनको आप प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अब आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, एक आम बंदा है जिसको अभी इतना दराज का नहीं पता, ना इतना उसको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो वो किस तरह इन टूल्स को इस्तेमाल करेगा या किस तरह दराज पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करेगा। उसके लिए आपने अपनी जो है इर्द गिर्द देखना है कि आपका जो सिटी है, आपका जो शहर है, आपके हाथ में कौन सी प्रोडक्ट है या आपके अंदर कौन सी एक स्पेशल चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर आप या आपका कौन सा एक फेयर एडवांटेज है जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं तो फैसलाबाद जो है वो सारा ज़्यादातर जो है वो इंडस्ट्रियल ये टेक्सटाइल का काम वहाँ पे होता है, गारमेंट्स वगैरह का। तो आपका जो फेयर एडवांटेज बनता है यहाँ पर वो यही है कि आपने जो गारमेंट्स वगैरह हैं या जो कपड़ा है, टेक्सटाइल है, उसको ही आपने दराज पे सेल करना है। अगर आप ये देखेंगे कि वो फलाना बंदा जो है वो दराज पे ये चाइना से कोई चीज़ मंगा के तो बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अगर आप उन चीज़ों में पढ़ेंगे तो वो जो चीज़ है वो आपको सोर्सिंग में प्रॉब्लम देगी। अब मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, अगर आप इसकी काफ़ी ज़्यादा सेल्स भी हैं, आपको पता भी है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, अब आपको ये मिल नहीं रही कहीं से, आप जब लेने जाते हैं तो आपको ये महंगी मिलती है, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर रिसर्च कर लें, जितना मर्ज़ी आपने टूल्स इसके ऊपर इस्तेमाल किए हैं, ये आपके लिए नहीं है। आप जो मर्ज़ी कर लें आप इसको नहीं बेच सकते, क्योंकि आप जिस सिनेरियो में रहते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। तो फिर आपने देखना है कि आप जहाँ पे रहते हैं आपको कौन सी चीज़ सस्ती और आसानी से अवेलेबल है, आपने उसको ही दराज पे सेल करना है। अब आप कहेंगे जी जो मेरे इलाके में चीज़ है वो तो उसकी इतनी डिमांड नहीं है। देखिए, आपने एक बात याद रखनी है, दराज पे हर चीज़ बिक जाती है।
सिर्फ आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। हर चीज़ की लोगों को डिमांड होती है, सिर्फ आपने एक राइट मार्केटिंग उसकी कर ली सही तरीके से तो आपकी वो चीज़ बिक जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगी। अब मिसाल के तौर पे अगर आप गुजरांवाला में रहते हैं तो गुजरांवाला में स्टील के जो बर्तन हैं या कटलरी का सामान है, स्टील का सामान है, ये काफ़ी ज़्यादा बनता है। आप फैक्ट्रियों से बहुत सस्ते में ये चीज़ें ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। तो आपने फिर अपने इलाके के मुताबिक, अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक वही चीज़ दराज पे सेल करनी है। आपने फिर उधर नज़र नहीं मारनी, कराची का जो बंदा है वो ये सेल कर रहा है, लाहौर का जो बंदा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ सेल कर रहा है, क्योंकि उसके इलाके के गिर्द वही चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं, उसको सस्ती मिल जाती हैं, इसलिए उसका प्रॉफिट जो है वो वहाँ से बन रहा है। आपके लिए जब आप यहाँ से उठ के कराची जाएँगे तो आपको तो इतना ज़्यादा किराया लग जाना है, इसके अलावा आपको वो सामान भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा, तो आपके लिए वो चीज़ें नहीं हैं। इसलिए आपने जो पूरी मेरी गुफ्तगू का एक जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपने देखना है कि आपको आपके हाथ में कौन सी चीज़ है, आपने उसी को दराज पे सेल करना है। अगर आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है तो जो दुकान है पूरी आपकी कपड़े की है, गारमेंट की है, खिलौनों की है, उसको आप पूरी दुकान को आपने दराज पे लगा देना है, तो वहाँ से भी आपकी सेल होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग की। मिसाल के तौर पे आपके घर के नज़दीक एक फैक्ट्री है जो कि स्टील के चम्मच बनाती है। अब आपके लिए वही प्रोडक्ट हंटिंग है, वही प्रोडक्ट जो है वो आपने दराज पे सेल करनी है। आपने इधर उधर भी नज़र नहीं मारनी, आपने स्टील के जो चम्मच है उनको दराज के ऊपर लगाना है। जब आपने लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग के दौरान आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करने आते हैं, अगर नहीं करने आते तो आपने सिर्फ राइट कैटेगरी उसकी वहाँ पे चूज़ करनी है कि ये जो चम्मच हैं ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सिर्फ आपने सही तरीके से वहाँ पे लगाना है। और इसके अलावा उसका टाइटल अच्छा लगा लें, बाकी सेलर्स को देख लें कि किस तरह उन्होंने वो टाइटल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी हुई है, वो सब कुछ आप अच्छे तरीके से लिख के तो वहाँ पे दराज पे ऐड कर लें। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टील के चम्मच हैं इनके ऊपर इनके जो कीवर्ड्स हैं कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक हो रही हैं, तो वो कीवर्ड्स ढूंढ के आप यहाँ पे लगा सकते हैं या उसका जो रियल टाइम डेटा है वो निकाल के देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप इन टूल्स को इस्तेमाल करें। अब तीसरे नंबर पे आती है जी मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है, आपने फेसबुक को इस्तेमाल करना है, इंस्टाग्राम को यूज़ करना है, टिकटॉक को और यूट्यूब शॉर्ट्स को। ये छोटी छोटी आपने वीडियोस बना के या पोस्टें बना के वहाँ पे लगानी है और नीचे दराज के स्टोर का या उस प्रोडक्ट का लिंक देना है, उससे एक्सटर्नल जो ट्रैफिक है वो आपके स्टोर पे आएगी और ऑटोमेटिकली दराज जो है वो उसको बूस्टअप करना शुरू कर देगा। तो आराम से आपकी अच्छी खासी सेल वहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगी और आप बहुत अच्छा बिज़नेस दराज पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बरवक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चैनल पर न्यू है तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो कम अज़ कम लाइक ज़रूर कर दिया करें, काफ़ी ज़्यादा हौसला अफज़ाई हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।